तारिक इब्न शहाब कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पिछली कौमों में एक आदमी एक मक्खी की वजह से जहन्नम में गया और दूसरा एक मक्खी की वजह से जन्नत में चला गया। क्योंकि तौहीद के बाद में काहिनी जो है तसाहुरी बहुत नुकसान पहुंचाती है। साहब इकराम ने कहा वकील बता रहे कि या रसूलुल्लाह ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कैसे कि एक मक्की की वजह से जन्नत में गया और एक मक्की की वजह से जहन्नम में गया। तो आपने फरमाया कि दो आदमियों का गुजर किसी कौम से हो रहा था, उनके पास एक बहुत बड़ा बुत था, कोई मंदिर या देवी देवता जो भी रहा हो, तो जब वहां से कोई गुजरता तो बगैर चढ़ावा चढ़ाने नहीं गुजर हुए नहीं गुजरने देते थे। एक से कहा कुछ चढ़ाओ, कहा मेरे पास तो कुछ नहीं, कहा मक्की चढ़ा। तो जहाँ मंदिर हो जहाँ दरगाहें हो अक्की मक्की की कमी नहीं रहती इन जगह पर। ऐसे मारे गए तो क्योंकि जो जानवर सब होता है जरूर लगा वहाँ मक्की के काम कमी होगी, मक्खी मारा और चढ़ा दिया। कहा कि कर्ज करो जो बाबा एक मक्खी ही क्यों ना मार के चढ़ाना हो, तो छोड़ देंगे। एक मक्खी मार के चढ़ा दिया, लोगों ने उसका रास्ता छोड़ दिया, अल्लाह ने उसे जन्नत में दाखिल किया। दूसरे से कहा कि तुम भी चढ़ा दो चाहे मक्खी ही क्यों ना चढ़ाना हो, उसने कहा नहीं मैं अल्लाह के सिवा किसी और के लिए मैं कोई चीज़ नहीं चढ़ाऊंगा। लोगों ने उसकी गर्दन मार दी और अल्लाह ने इसे जन्नत में दाखिल किया। ये रिवायत मुस्नद अहमद की है, मौकूफ सनद से है और मुरसल है, इसको ज़ईफ की अक़साम में से है। और अल-फरयान हफ़िज़हुल्लाह ने किताब तौहीद को जो तहकीक की उसके हाशिए में लिखा है कि सहाबी से मौकूफ है और सही सनद के साथ मौकूफ है। बारह काबिल इस्तिदलाल है, बारह लोगों ने बारह मुसन्निफ़ीन ने और मुअल्लिफ़ीन ने लिखा है कि जो जहन्नम में डाला गया एक मक्खी की वजह से दूसरे को मक्खी की वजह से जन्नत में डाला गया, ऐसा नहीं है कि मक्खी पर उसका अकीदा था, उसने शिर्क को बहुत मामूली समझा, कहा मक्खी तो है, और दूसरे ने तौहीद की अहमियत को समझ लिया और कहा मैं ऐसा नहीं कर सकता। मुनाक्षा करे, मुजागरा करे, जहां बिल्कुल इंसान के लिए न चलने वाली बात हो कि अब जान चली जाएगी, तो वहां पर गुंजाइश है कि दिल मुतमईन है और जबरदस्ती कोई कुछ कहलवा लिया गया तो अल्लाह माफ करता है। इल्ला बिलुक्रिया वो कल्ब हो मुतमईन बिलिमा, लेकिन पहले ही से आप मुतमईन रहे। जैसे रिश्वत देना हराम है, अब आप गए कुछ पता नहीं लगाए, सो ये भी कोशिश नहीं की कि बगैर रिश्वत के काम चल जाए, पहले ही से आप रिश्वत का पैसा ले गए कि ये लो, तो हराम तो है ही। कोशिश किया चाहे अपने जरिए से या किसी जरिए से, मालूम हो गया कि बगैर रिश्वत के मेरा ये काम नहीं होगा, मुझे एडमिशन नहीं मिलेगा या मेरे सर्टिफिकेट या मेरा बर्थडे सर्टिफिकेट नहीं मिल पाएगा, तो वहां पर आदमी 100-200 अगर रिश्वत देता है तो गुनहगार नहीं होगा, इसलिए कि अपने हक लेने के लिए ऐसी उसकी मजबूरी है कि वहां रिश्वत लेने वाला गुनहगार होगा, देने वाला नहीं होगा। पुलिस ने आपको पकड़ लिया, 10 घंटा लगा दिया, कहा कि 200 रुपया दो, 300 रुपया दो, थाने गवर्नमेंट करके फला फला केस लगा दूंगा, आप क्या करें? बोले कि चलो मैंने कोई गुनाह नहीं किया, बंद कर, और ले गए बंद किए, 2-4 केस लगा दिया, तो आप क्या करेंगे? वहां 2-4 रिश्वत देकर के छूट जाएंगे, आप मुजरिम नहीं है, इसलिए कि आप बेकसूर हैं। और रिश्वत दे करके अगर कोई मुजरिम छोड़ता है कि मैं मुजरिम हूँ, ये लो मैं चोरी करने जा रहा हूँ, थाने में पहले से पैसा दे देते हैं ना कि हम डाका मारने वाले, तो ये हराम है। लेकिन ना हक कोई पकड़ा गया और अपने हक को लेने के लिए रिश्वत दे, तो अल्मा ने लिखा कि इस पर रिश्वत देने वाला गुनाहगार नहीं, लेने वाला गुनाहगार। लेकिन किसी का हक छीनने के लिए रिश्वत देना या रिश्वत दे करके किसी का हक मार के खुद आगे बढ़ना, ये देने वाला और लेने वाला दोनों गुनाहगार होंगे। तो यहाँ तौहीद की जो बात थी मक्खी के मामले को उसने बहुत लाइट दिया, हल्का दिया कि कोई बात नहीं, जबकि एक बिल्ली को भूखा प्यासा रखने की वजह से पानी न पिलाने की वजह से अल्लाह ने क्या किया, उस नेक औरत को जो है इबादत गुजार औरत को जहन्नम में दाखिल किया, एक बदकार औरत को प्यासे कुत्ते को पानी पिलाने की वजह से जन्नत में दाखिल किया। तो कोई कोई अमल अल्लाह के हकीर नहीं होता है, चाहे नेकी का अमल हो चाहे बुराई का, बुराई भी हकीर नहीं होती, नेकी भी हकीर नहीं होती, बुराई का बदला भी बहुत खतरनाक है और नेकी की जजा भी बहुत ज्यादा अल्लाह के यहाँ है। तो यहाँ पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कभी भी इंसान गैरुल्लाह के तकर्रुब के लिए जानवर जबह करना, चाहे मक्खी मारकर चढ़ाना, चाहे मच्छर या पतंग, इन चीजों में न पड़े, इसको हल्का ना और मामूली न समझे, चीजें बंदे के लिए बड़ी खतरनाक है। अब आप मार्केट में है, दिवाली का मौसम आया, चंदे के लिए लोग आ गए, या हाईवे रोड पे आप सफर कर रहे हैं,
कभी कभी गैर मुस्लिम हाईवे रोड पे गाड़ी रोकेंगे, फला मंदिर का उस है, आप हमें चंदा दीजिए नहीं तो गाड़ी नहीं गुजर पाएगी। अगर आप कहते कि मैं मुसलमान हूँ, मेरे लिए इसकी इजाजत नहीं है, अच्छे लोग हैं समझदार तो छोड़ देंगे कि जाओ, नहीं समझ रहे हैं तो गाड़ी का शीशा तोड़ देंगे, मार देंगे। तो वहां शर से बचने के लिए आपने उन्हें 10-20 रुपया या जो अक्सर दे दिया, तो आप गुनहगार नहीं हो, आप उनकी उनके त्योहारों में ताउन नहीं कर रहे, बल्कि उनके शर से बचने के लिए, एक जान छुटकारा के लिए और शर से बचने के लिए ऐसा कदम उठा रहे हैं, लेकिन बगैर किसी जिरह के ऐसे अच्छा ठीक है ले जाओ कोई बात नहीं खुशी से मनाओ, ये हराम है नाजायज है, लेकिन पता है कि मार देगा, मुझे मार देगा, गाड़ी तोड़ देगा, शीशा तोड़ देगा, तो उसके शर और फितने से बचने के लिए इसकी अहमियत इसलिए इजाजत दी कि फितने का बाप बंद हो जाए, फितने से रोका है, ऐसा नहीं कि उसका ताउन कर रहे, उसके फितने से बचने के लिए, और सारा व्यापार उसी के सर जाएगा, गसब का हड़प का, हम उसे दे नहीं रहे, वो इनडायरेक्ट हमारा माल हड़प कर रहा है, हड़प करने का, गसब करने का, उस पर वो माल अल्लाह की तरफ से मिलेगा। लेकिन अगर आए बोले नहीं झंडी लगाना है ईद मिलाद का जरूर है, आपने इसे खुशी से निकाल के दे दिया, गुनाह में शरीक हो जाएंगे, नहीं दिया लेकिन बड़ा नुकसान उठाएंगे, बड़ा नुकसान क्या उठाएंगे, आदमी कोई भी एहतियाती तदबीर इख्तियार कर ले, लेकिन हर जगह वाले पे ऐसे तजर्बे होते हैं कि मार धाड़ के वाकयात होते हैं, गाड़ी छीन लेने के वाकयात होते हैं, तो तौहीद के बाद में कहीं नरमी तो नहीं है, लेकिन हिकमत अमली और फिरासत से मामले को हल करने की गुंजाइश है। अल्लाह की जन्नत बहुत ही करीब है, और बदअमल के लिए, नेक के लिए अल्लाह की जन्नत करीब है, और बुरे के लिए जहन्नम का रास्ता भी बहुत करीब है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें तौहीद के अकीदे की सलामती अता फरमाए, जानवर का ज़बीहा हो या तक़र्रुब इलल्लाह है, किसी भी किस्म की कुर्बानी हो, हमें तौफीक दे कि हम खालिस अल्लाह के लिए करें। आमीन। वसल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद वाला आलिही वसहबी।